क्या आपको ऐसा इंट्रो बनाना है? बनाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको ऐसा इंट्रो बनाने के लिए एक वीडियो की जरूरत पड़ेगी, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और उसको खोल लेना है, और उसके बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और 16:9 सेलेक्ट करना है। और जो वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उस वीडियो को आपको खोल लेना है। वीडियो को खोलने के बाद आपको इस वीडियो को एक बार चला के दिखा देता हूँ। ये वीडियो अभी ऐसी है, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब हमको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे आपको सेकेंड्स दिख रहे हैं, 2 सेकेंड्स, यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट लिखना है। तो आपको पहले लेयर पे जाना है, उसके बाद आपको टेक्स्ट पे जाना है, और आपको अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। फिर इस टेक्स्ट को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, आप इसको बड़ा करके अपने हिसाब से यहाँ पे लगा लें। और उसके बाद आप यहाँ पे AA पे जाएं और यहाँ पे अपना मनपसंदीदा फॉन्ट आप सेलेक्ट कर लें। तो मैंने अपना मनपसंदीदा फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है, अब उसको टिक दबा दें। यहाँ पे फॉन्ट आ गया है, और उसके बाद आप यहाँ पे ये वेस्ट पार्ट है, आप इसको कट कर लें। पहले आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पे कट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। उसके बाद ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड पे क्लिक करें, और आपका वेस्ट पार्ट कट हो जाएगा। अब हमारा बन चुका है, हम इसको प्ले करके दिखा देते हैं। ये हम इसमें अब कुछ एनिमेशंस डालेंगे। तो पहले आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद इन एनिमेशन पे जाना है, और इन एनिमेशन पे जाने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है और एंटर स्लाइड राइट पे क्लिक करना है। एंटर स्लाइड राइट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, इसको पूरे लास्ट में ले आना है और फिर टिक दबाना है। उसके बाद हमारा ये पूरे अच्छे तरीके से बन चुका है। अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपको लेयर पे जाना है, उसके बाद मीडिया पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे एक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का ऑप्शन, आपको उस पर जाना है। फिर आपको कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आपको यहाँ ये कलर अच्छा नहीं लग रहा तो आप इस पर क्लिक करें, और फिर कोई भी डार्क कलर चॉइस कर सकते हैं। मैंने ये कलर चॉइस कर लिया, और उसके बाद आपको वापस कलर पे क्लिक करना है और सबसे नीचे आ जाना है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन है बैल्डिंग का, उस पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे ओवरले पे क्लिक करना है। ओवरले पे क्लिक करने के बाद आपको टिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारा इंट्रो बन चुका है, हम आपको इसको प्ले करके दिखा देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करें और इसको एक्सपोर्ट कर लें। यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इसको एक्सपोर्ट कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस चाहिए तो आप मेरी पहली वीडियो पर क्लिक करें। अगर आपको जीके क्विज में इंटरेस्ट है तो आप मेरी दूसरी वीडियो पर क्लिक करें।